हमें और आपको चाहिए कि इस सफर से हरगिज ना घबराएं। बिल आखिर इस सफर को हर शख्स को तय करना है। देखिए, जिंदा रहना मुसाफिर की तरह से है और मरा हुआ शख्स ऐसा होता है जैसे मुसाफिर अपने वतन वापस लौट जाए। ये मौत ये आपको जमान और मकान की कैद से आजाद कर देती है, आपको एक हमेशगी की जिंदगी ये अता करवाती है। मौत को शिकस्त देकर ही, मौत को शिकस्त दी उस वक्त जा सकती है जब इंसान मर जाए। मौत पर फतह हासिल करने के लिए इंसान को मरना पड़ता है। मौत का एक बहुत बड़ा फायदा ये है कि मौत का कि आप मौत के खौफ से आजादी हासिल कर लेती है, और जो मौत से डरता रहता है वो बार बार मरता रहता है, बार बार मरता है, रोजाना उसको खौफ दामनगीर रहता है, और मरने के बाद इस खौफ से इंसान को निजात मिल जाती है। वो मौत का जिसका आने से हम और आप इतने ज्यादा डरते हैं, असलन अगर वो देखें तो वो आपकी हमेशगी की जिंदगी की सालगिरह का दिन होगा। वहां से आपकी हमेशा हमेशा की जिंदगी शुरू हो जाएगी। उस दिन को आप याद किया करेंगी कि देखिए वो दिन था जहां से हमारी हमेशा हमेशा की ऐसी जिंदगी शुरू हो गई कि अब जिसके पास कि जिसके बाद अब कोई मौत नहीं। और अगर आप देखें हर शख्स को बिलाखिर उसके घर की हमेशगी का घर उसकी तामीर के दौरान जो उसका घर है वो ही आपके सामने, उसका तामीराती सामान यही है जो इस वक्त आपके सामने। हम कितने बुलंदो बाला अपने लिए घर बनाते हैं, कितने मजबूत घर बनाते हैं, वो सब यहीं पर रह जाएंगे, यही है जो उस वक्त वहां पर काम आएगा। ये है वो हमारा दायमी बिस्तर जिस पर हमेशा सोना है, और ये वो घर है जिसको अगर हम ऊपर से देखें तो ऐसा वो नजर आता है। इसकी बेहतरी की, इसकी सजावट की हमेशा हमें कोशिश करते रहना चाहिए। ये है वो आपके नए लिबास की तस्वीरें, नया लिबास कि जिसको पहनकर हमें आलम आखरत के सफर पर रवाना होना। और ये कब्र जैसे कि रिवायतों में है कि रोजाना पुकारती अपने साहिब और उससे कहती है कि यह अंधेरों का घर, ये वहशत का घर, ये कीड़ों का घर है, ये तन्हाई का घर, यहां के लिए तोशा लेकर आओ, और यहां कोई रफीक नहीं होते, कोई साथी नहीं, सख्त तन्हाई का आलम है सिवाय हमारे अच्छे अमल। अमल अगर अच्छे होंगे तो उनके साथ बहुत सकून और इत्मीनान के साथ बहुत गुजारा जाएगा कयामत तक और उसके बाद भी, और अगर अमाल बुरे हुए तो मुस्तकिल वो ऐसा आजार पहुंचाने वाले होंगे कि जिनसे कोई गुलू खलासी मुमकिन नहीं है। मौत बिलाखिर सबको आनी, जिस वक्त फरिश्ता अजल आ जाता है और उस वक्त इंसान काफी अफसोस मलता रह जाता है कि मैंने अपनी उम्र किन फजूलियात के अंदर जाया कर दी। कोई भी जीरू या इसके अलावा भी, जैसे हद तक के जानवर तक होते हैं वो भी इसी तरह से मरते हैं, उनके लवाहिकीन भी उनके ऊपर इसी तरह से रोते और चिल्लाते हैं, और कोई ख्वाह फकीर हो या गनी, सबका बिलाखिर अंजाम यही। चाहे आप कितने घर ऊंचे ऊंचे बना लें, कोई शख्स चाहे झोंपड़ी में रहता हो, महलात में रहता हो, सबका बिलाखिर फाइनल डेस्टिनेशन और अंजाम ये कब्र है कि जो कि इस वक्त आपके सामने। हर वक्त इंसान को चाहिए कि दुनिया की जितनी भी आसाइशें हासिल करे और उसमें मुनहमिक होने की इंसान कोशिश करता रहता है, हमेशा अपने आखरत वाले घर को और कब्र को हमेशा याद रखे। बहुत से लोग ये करते हैं कि सोचते हैं कि कब्र के अंदर अभी तो कुछ सामान वो होगा जो हम कब्र में साथ रखेंगे। एक तरीकेकार ये भी है जो बहुत से लोगों ने अपनाया कि दुनियावी वो मादी चीजें कब्र के अंदर रखने की फिक्र के अंदर, कि कुर्सी भी हो, ड्रेसिंग टेबल भी हो, और बहुत सारी इस तरह की चीजें, बाकायदा इस तरह के कब्रों के अंदर लोगों ने करने का प्रोग्राम बनाया और उसको अमली जामा भी बनाया। और बहुत सारे ऐसे हैं कि जो अपने मुर्दों के कब्रों को बहुत अच्छा बनाकर रखते हैं, उसमें कोई हर्ज भी नहीं।
लेकिन असलन अगर देखें तो बात वही है कि ऊपर से खबरें ख्वाह कितनी अच्छी क्यों ना आप कर लें, असल में अंदर जो आमाल साथ जाएंगे उनका बेहतर होना जरूरी है। ये तो लवाहिकीन अपनी थोड़ी सी तसल्ली दिल के लिए इस तरह की सब चीजें कर लेते हैं, और बहुत सारे अफराद क्योंकि टेक्नोलॉजी के बहुत दिल दादा होते हैं तो मोबाइल फोन की तस्वीर भी मसलन उसके ऊपर कोई बना के लगा लेते हैं कब्र के ऊपर। तो लेकिन असलन ये कि जितने भी अच्छे कब्रें ऊपर से बना ली जाए, लेकिन ये इतने ज्यादा फायदेमंद नहीं। और यही वजह है कि जब ये बात कही जाती है कि अपने किसी मौत की याद के लिए, जैसे शहीद दस्तगैब शिराजी ने बताया था कि अपने किसी भी दोस्त अजीज रिश्तेदार जो मरहूम हो चुका हो उसकी तस्वीर को हमेशा सामने रखें। ये मेरे एक दोस्त थे डॉक्टर अली जामिन रिजवी साहब, एन आलम जवानी में इनका इंतकाल हुआ, मैं अक्सर इनकी तस्वीर निकाल के देखता हूँ कि मेरे साथ होते थे, उठते बैठते थे। लेकिन क्या है कि आज इतना एक्टिव रहने वाला शख्स भी वो इस तरह से कब्र के दामन में जा पहुंचा। तो बहरहाल ये तमाम चीजें ऐसी हैं कि हमेशा अपनी मौत को, कब्र को और आखरत को अगर कोई शख्स याद रखे तो फिर वो सारी चीजें कि जो न्यू ईयर की खुशियां मनाई जाती हैं, या हम न्यू ईयर की खुशियां मना रहे होते हैं, उधर अमीरुल मोमिनीन ये फरमा रहे होते हैं दुरूद भेजिए मोहम्मद अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कि क्या जिंदगी की मुद्दत खत्म होने से पहले गफलत से बेदार होने वाला कोई नहीं, कि कब तक लाहो लाइफ का शिकार लोग रहें। ए लोगो, यही वक्त है, यही वक्त है कि जब रास्ते खुले हुए, चिराग रोशन, तौबा का दरवाजा भी बंद नहीं हुआ है, इससे पहले कि कलम खुश्क हो जाएं और आमाल नामे लपेट दिए जाएं, कुछ कर लो। ये बहुत ऐसा पीरियड है जिसको गनीमत समझना चाहिए, इसको फजूल जाया होने से बचाना चाहिए। अमीरुल मोमिनीन बार बार ये सब जुमले इरशाद फरमाते थे और ये भी कहते थे कि अपनी उम्र को ऐसे कामों में जाया करने से बचाओ जो बाकी रहने वाले नहीं, क्योंकि गया हुआ वक्त फिर वापस लौट कर नहीं आता। जिसको गौर करना पड़ेगा, अपने वक्त को जाया होने से बचाना पड़ेगा। और ये भी फरमाते थे कि अगर तुम अपनी उम्र के गुज़िश्ता जमाने से इबरत हासिल करते तो बाकी जिंदगी की जरूर हिफाजत करते। लेकिन इंसान यह है कि उस फरामोशी हो जाती, निसियान का मर्ज उसको लाहक रहता है, वो तमाम अपनी चीजें भूल जाता है और वो ही लाहो लाइफ वाली जिंदगी और गफलत वाली जिंदगी गुजारता रहता है। ये भी अगर आप देखें, बस ये आपका पूरी जिंदगी का इसके अंदर, इस तस्वीर के अंदर मौजूद है सफर। इंसान चलता है, फिर पैसा कमाने लगता है, यहां तक कि कमाते कमाते कमर खमीदा हो जाती है, हाथों में लाठी आ जाती है, कमर मजीद झुक जाती है, व्हीलचेयर पे आता है, यहां तक कि बेड पे आता है और फिर अपनी कब्र पर जा पहुंचता है। ये उसकी पूरी लाइफ है। अगर किसी शख्स को चाहिए कि अक्सर और बेशतर इसको देखा कर कि वो कौन से मरहले में आ चुका, वो कितना करीब होता जा रहा है अपनी उस मंजिल के साथ, अपनी उस मंजिल से कितना करीब होता चला जा रहा है, ये हमेशा इंसान को इसको कोशिश करनी चाहिए और इस सिलसिले में गौर व फिक्र करना चाहिए कि उसे आइंदा क्या करना। जब भी कहा जाता है कि मौत आपको पुरवकार बनाती, आपकी गैर संजीदा पन और आपका जो अहमकाना पन है इसको खत्म करती, मरकर इंसान कितना ज्यादा सोबर हो जाता। मरना बहरहाल हर शख्स को है और मौत फकत एक मर्तबा निशाना लेती और फिर उसका आज तक निशाना कभी खता नहीं गया। तो बहरहाल हर किसी भी ना डरें इससे, मौत से, ओके। ये सब भी रिवायत में ये बात आई है कि मौत को एक बेहतरीन तोहफा करार दिया गया। ये बात जान लीजिए कि असल मसला मौत नहीं, असल मसला जिंदगी। आप यकीन जानिए कि मौत आसान है, जिंदगी गुजारना बड़ा मुश्किल है। सवाल यह नहीं है कि हम कैसे मरेंगे, असल सवाल यह कि हम जिंदगी कैसे गुजारें। अपनी मौत से ना डरें, अपनी जिंदगी से डरें। इतनी नाफरमानियों के साथ जिंदगी गुजारना यह वाकई डरने के काबिल, इतनी नाफरमानियों के साथ जिंदगी गुजारना। और अगर यही लापरवाही वाली जिंदगी गुजारते रहे तो यकीन कीजिए कि एक मौका ऐसा आएगा कि निशाने इबरत बनकर पड़े होंगे, निशाने इबरत।
और सिर्फ यही नहीं बल्कि बात के मनाजिर को भी देखना चाहिए। देखिए बहुत सारी चीजें हो सकता है, लोग कहेंगे भाई जनाब ये तो बड़ा इस किस्म की खौफनाक तस्वीरें दिखा के आप जो है वो बात लोगों को जो है वो पहुंचा रहे हैं नफसियाती तौर पर। नहीं, अंजाम को हमेशा मद्देनजर रखना चाहिए कि वाकई निशान इबरत बनकर पड़ा रहना और इसको फजूल की जिंदगी गुजार लेना और कब्र में जा पहुंचना बहुत से अजाबों का बाइस बनेगा। और बिला मकसद और बिला हदफ तो सबको मर ही जाना है बिलाखिर। अस्पताल में पड़े होंगे किसी जगह, डॉक्टर हजरात ऑपरेशन कर चुके होंगे, कोई फायदा नहीं, कोई नतीजा नहीं, यहां तक के मुंह पर कपड़ा डाल दिया जाए। बिला मकसद और बिला हदफ खेल में लोग खेल रहे होते हैं और खेलते खेलते मर जाते हैं। कितने फुटबॉल के खिलाड़ी ऐसे हैं जो खेलते खेलते मर गए, कितने अफराद ऐसे हैं जो भीख मांग रहे हैं और एकदम से फरिश्ता अजल आया और उनको आकर उनकी रूह को ले गया। और इसी तरह से कितने हमारे बुजुर्ग हजरात ऐसे हैं कि जो अपने रिटायर्ड लाइफ फजूल वक्त के अंदर जाया कर रहे हैं, बस ऐसे ही इधर बैठ के अखबार देख लिया, उधर बैठ के अखबार देख लिया, ये टीवी देख लिया, ड्रामे देख लिए, फिल्में देख ली, और इस तरह से अपने वक्त को जाया करते चले जाते। तो बहरहाल ये तमाम चीजें ऐसी हैं कि क्या बेहतर नहीं है कि आयमा की सीरत की पैरवी करते हुए किसी अजीम मकसद के लिए जान दी जाए। ये भी तो एक बूढ़े वो दिखाए थे इससे पहले, एक बूढ़े ही ये भी कब्र में जा पहुंचे, आयतुल्ला शेख जवाद तबरेजी, कब्र से इनकी पीठ लगी हुई है, कब्र में अंदर लेटे हुए हैं, लेकिन अपनी पूरी भरपूर जिंदगी उलूम अहले बैत की तबलीग में गुजारी। आयतुल्ला बहजत, आयतुल्ला तकिये बहजत फौमिन, ये आपके सामने पूरी जिंदगी किस अंदाज से गुजारी, इंतहाई तकवा पर, वही उम्र जो सब लोग लेकर आए, ये भी लेकर आए, लेकिन ये कितने कामयाबी वाले अंजाम को अपने साथ लेकर गए। और हम फजूल वक्त, यही मौका हमें भी दिया गया है, लेकिन हम अपने वक्त को जाया करते चले जाते। इसी तरीके से कितने अफराद ऐसे जो राह खुदा में अपनी जाने उन्होंने दी, आयतुल्ला मुर्तुजा मुताहरी, आयतुल्ला दस्ते गैब शिराजी, इनकी कितनी बार इनकी आपको इनकी शहादतों की तस्वीर जो हम दिखा चुके। तो बहरहाल ये तमाम चीजें देखिए ऐसी हैं, शहादत और खुदा की राह में जान देना या खुदाई मिशन के अंदर जान देना, चाहे अपने बिस्तर ही पर मौत क्यों ना आ रही, तबलीगात में कोई शख्स गुजार रहा हो अपने वक्त को और बिस्तर पर चाहे मौत क्यों ना आ जाए, तो आप देखिए कितने शहादा ऐसे हैं कि जब अमीरुल मोमिनीन के चेहरे की जियारत होती होगी तो ऐसी मुस्कुराहटें चेहरे पर आई जाती हैं। शहीद बुरुंसी, 21 साल बाद इनका जनाजा, इनकी जब कब्र खोदी गई तो बिल्कुल एज इट इज जिस तरीके से अभी अभी दफन किया गया इस तरह से इनकी मैयत जो है वो निकली। यानी शहीद के मुतालिक भी एक दफा हमारी मौत के सिलसिले में गुफ्तगू हुई थी, तो किन आमाल की वजह से जिस्म खराब नहीं होते, उसमें एक शहीद के जिस्म का भी तस्कर आया था। और इनको फिदाई हजरत जहरा भी कहा जाता था, शहीद बुरुंसी 21 साल बाद भी बिल्कुल कफन तक, कफन तो खैर मैदान जंग के शहादा को वैसा कफन नहीं दिया जाता, उनका अपना लिबास ही जंग का खून आलूदी चाहे क्यों ना हो उसी में दफन किया जाता, बिल्कुल वैसे ही जैसे 21 साल में भी कोई तब्दीली वाकई नहीं हुई। तो खुद हजरत जहरा से इस कदर अकीदत और मोहब्बत करते थे, कहते थे कि बल्कि इजहार करते थे इस ख्वाहिश का कि जिस तरीके से उनकी कब्र बेनाम और गुमनाम है, यानी किसी को उनकी कब्र का पता नहीं, मैं चाहता हूं कि मेरी कब्र भी लोगों को पता ना चलने पा। लेकिन क्या है कि इनकी इस ख्वाहिश के पूरे आलम में शहीद बुरुंसी का नाम जो है वो मशहूर हो गया। ये वाली दुआ तो उनकी पूरी नहीं हुई, लेकिन बहरहाल लोगों को दिखाना और उसके एतबार से जो इखलास इनके अंदर पाया जाता था, अपनी जिंदगी चाहे वो जान इसी में दी, चाहे मैंने कहा कि चाहे मैदान जंग में जान दी जाए, चाहे अपने बिस्तर पर, बस मिशन जो अहले बैत की राह है उसके ऊपर इंसान अपनी जान दे। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते थे कि जब जिसम मौत के लिए बना है तो अल्लाह की राह में शहीद होना सबसे ज्यादा बेहतर। और यही वजह है कि देखिए जब भी उलमा ये फरमाते हैं कि आइम्मा की जो सीरत है उसमें इंतजार मौत सीरत आइम्मा है, बाकायदा मनाकिब मुर्तजविया में कि 13 रमजान को जुमे के दिन अमीरुल मोमिनीन जब खुतबा बयान फरमा रहे थे, खुतबा दे रहे थे,
तो सामईन में इमाम हसन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी थे, तो दौरान खुतबा रोक कर खुतबा रोक दिया अमीरुल मोमिनीन ने, कहा पूछा ए बेटा हसन इस महीने को कितने दिन गुजर गए? इमाम हसन ने फरमाया कि बाबा 13 दिन गुजर गए। फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से पूछा कि बेटा इस महीने को खत्म होने में कितने दिन बाकी रह गए? कहा बाबा 17 दिन बाकी रह गए। बस ये सुनना था, अमीरुल मोमिनीन ने अपने रीशे मुबारक पर हाथ फेरा और कहा कि इस दाढ़ी को सर के खून से सैराब होने में थोड़ा ही वक्त बाकी रह गया। जंगे ओहद के दिन जब 70 मुसलमान शहीद हो गए थे और मौला बहुत ही गमगीन बैठे हुए थे और आकर कहने लगे या रसूलुल्लाह मुझे इस फैज से क्यों महरूम किया गया? देखिए बजाय पैगंबर इस्लाम के दामाद है, दामाद अपनी मौत का तस्करा कर रहा है, दामाद की मौत के जिक्र को पैगंबर अवॉइड करते, पैगंबर ने क्या कहा, अली मैं तुमको बशारत देता हूं कि शहादत तुम्हारे ताकुब में, आज तुम शहीद ना हुए तो क्या हुआ, शहादत तो तुम्हारे मुकद्दर में लिखी जा चुकी, ऐसा तो होकर रहेगा, ए अली बताओ शहादत के वक्त तुम्हारा सब्र कैसा होगा? अमीरुल मोमिनीन ने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह मेरे लिए उस वक्त सब्र का नहीं बल्कि शुक्र का मुकाम होगा, दुरूद भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। और ये किस वक्त की बात है, जंगे ओहद जिस वक्त वाकई हुई थी, अमीरुल मोमिनीन की उम्र मुबारक उस वक्त फकत 25 साल थी, 25 साल, और हजरत जहरा से बिल्कुल नई नई शादी हुई थी और उस वक्त फकत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत हुई थी। देखिए हम मौत का तस्करा करते हुए डरते हैं, खास तौर पर जो अफराद, यानी एक मशवरा भी है और आजकल के डॉक्टर हजरात भी वैसे भी आमतौर पर लोगों को कहते हैं ये बात कि खास तौर पर जो शख्स भी मरज मौत में गिरफ्तार हो, अब मालूम हो कि भाई इसका वक्त करीब है, आसार और कराइन और अलामात से जाहिर हो रहा है, तो उसको लाजमी तौर पर इस बात की इत्तला कर देनी चाहिए, उसको बता देंगे भाई इस तरह का मामला है, तुम्हारी जिंदगी इसमें जा सकती है। अब तुम उस बताने का फायदा यह होगा कि भाई वो तौबा की तरफ माइल हो जाएगा, कुछ वसीयतें कर लेगा, और हो सकता है कि इस तरह से बताने से जो आमाल वो अंजाम देगा उसके बाद हो सकता है कि वो जिंदगी की तरफ लौट आए या कम से कम कलमे पर ही उसका खात्मा हो जाए, यानी वो इस बात के लिए तैयार हो जाए कि जब मेरी तबीयत खराब हो तो मुझे इस तरह से कर देना चाहिए। यानी एक चीज तो मैंने अपनी आंखों से देखी थी, एक दफा मेडिकल कॉलेज के इब्तदाई दिनों में एक दफा टाइफॉइड बुखार हुआ था मुझे, अपना जाती एक एक्सपीरियंस बता रहा हूं जो मैंने अपनी आंखों से देखा। तो वहां जो भी साथी डॉक्टर हजरात थे, जो सीनियर्स थे, उन्होंने कहा कि यहां पर ICU है, यहां अच्छी केयर हो जाएगी, जरा जल्दी ठीक हो जाओगे, यहां एडमिट हो जाओ। मैं एडमिट हो गया, 6-7 उस ICU के अंदर पेशेंट्स थे, रोजाना तकरीबन मैं देखता था कि आज उस फला पेशेंट का इंतकाल हुआ मेरे सामने, आज उसका इंतकाल हुआ, आज उसका इंतकाल हुआ, दिल में डर भी रहा होता था इसके बाद इतने बेड का नंबर तो मेरा है इसके बाद। तो बहरहाल वहां पर मैंने एक खातून का एक बड़ा अच्छा तर्ज अमल देखा, उसका शौहर वहां पर बिल्कुल आखिरी अपने अय्याम गुजार रहा था, आखिरी लम्हात, हलक से खड़खड़ाहट की आवाजें निकल रही थी, लेकिन वो मुस्तकिल मुस्तकिल उस पर कहती थी कि तुम कलमा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह, तरह से कर करके बार बार कलमे की तकरार करवाती थी। यहां तक के मैंने अपनी आंखों से देखा कि उसी कलमे की तकरार करते करते ही उसका इंतकाल हुआ। तो बाज़ औक़ात देखिए इस तरह से होता है कि ये मरीज को बताना, उसको इस बात का एहसास दिलाना कि जब कलमा पढ़वाया जा रहा तो हो सकता है कि उसके लिए एक फायदेमंद चीज हो जाए, वो कलमे पर उसका इख्तिताम हो जाएगा या उसकी बरकत से उस जिंदगी की तरफ लौट आएगा। यहां आखिरी वक्त तक मरीज से बातें छुपाई जाती कि नहीं तुम ठीक हो जाओगे और कोई ऐसी बात नहीं और ये और वो, इस तरह से कुछ ना कुछ उसको एहसास जरूर दिला देना चाहिए ताकि कम से कम तौबा करके दुनिया से जाए। इसी तरीके से अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम कि जब सर पे जरबत लगी है तो उस वक्त का जो तबीब था असीर बिन अमर, कूफे का उससे ज्यादा कूफे में कोई क्वालिफाइड तबीब और जर्रा और सर्जन नहीं था, उसने जो उस जमाने के जाहिर है जो तरीकेकार थे, उसने दुम्बे के फेफड़े की नली को गर्म करके अमीरुल मोमिनीन के सर के जख्म में भरी थी और जख्म का मुआयना करने के बाद कहा था, देखिए वही बात जो मैं इससे पहले कह रहा था कि बता देना चाहिए, खैर अमीरुल मोमिनीन को तो बात पता थी लेकिन हमारे लिए, कहा कि या अमीरुल मोमिनीन अगर कोई वसीयत हो तो कर ले।
दुश्मन का वार आपके मगज तक सरायत कर गया, बिहारुल अनवार में भी है, मुंतहल अमाल में भी। तो उसने ये बात कही और उसके बाद अमीरुल मोमिनीन के सहाबी थे सासा इब्ने सोहान, ये खुद भी जिस वक्त आयादत के लिए आए थे, ये सासा इब्ने सोहान की कब्र मुबारक है, बहरेन में इनकी कब्र है, इंतहाई फसीह बलीग शख्स थे और ये आयादत के लिए आए और इनको पैगाम इन्होंने भिजवाया अंदर और कहना कि अमीरुल मोमिनीन से बात कहो कि सासा ने पैगाम भिजवाया है, यरहमकल्लाहु या अमीरुल मोमिनीन हय्यन व मय्यतन, अमीरुल मोमिनीन खुदा की रहमत आपकी जिंदगी और आपकी मौत में भी आपके शामिल हाल। देखिए उस वक्त मौत का तस्करा कर रहे हैं सासा इब्ने सोहान, सफीनतुल विहार की दूसरी जिल्द की पूरी रिवायत, और यानी उस वक्त भी इन्होंने आकर ये जिक्र किया कि आपकी जिंदगी और आपकी मौत दोनों में परवरदिगार की रहमत शामिल हाल। और शहादत के बाद भी जब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को दफन कर दिया गया था तो उनकी कब्र मुबारक पर तशरीफ लाए थे सासा इब्ने सोहान, एक हाथ दिल पर रखा था और दूसरा हाथ से मिट्टी कब्र की उठाकर अपने सर पर डाली थी और कहा था बे अभी अंता व उम्मी या अमीरुल मोमिनीन, मेरे मां बाप आप पर फिदा हो अमीरुल मोमिनीन, हनियन लका या अबुल हसन, ए अबुल हसन खुशगवार हो आपके लिए वो सब इज्जतें और सआदतें जो इस मौत के जरिए आपने इस मौत के जरिए मुकाम और मर्तबा परवरदिगार के यहां हासिल किया, वो खुशगवार हो आपके लिए। बिहार की भी 42वीं जिल्द के अंदर ये रिवायत। फिर सासा इब्ने सोहान फूट फूट कर रोने लगे और इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी उस वक्त कब्र मुबारक पर मौजूद थे। तो बहरहाल देखिए अमीरुल मोमिनीन का इस लिहाज से भी तस्करा आना जरूरी था कि बहरहाल उनकी विलादत के अय्याम का ये महीना है, कि बहरहाल डरने की कोई बात नहीं। देखिए कितने हमारे गुलाम अली वजीरी साहब बड़ी अच्छी बात कहते हैं, कहते हैं कि सारे आलम तो आप क्रॉस कर चुकी हैं, आलम नासूत में आप थी इससे पहले, उसके बाद आलम नासूत से आलम जर में आपकी रूह जो है ट्रांसफर हुई, उसके बाद आप रहमे मादर में आई, फिर इस दुनिया के अंदर आप आई, अब सिर्फ एक ही मरहला तो बाकी रह गया है और उसके बाद हमेशा हमेशा की जिंदगी शुरू होने वाली, कितने सारे सफर तो आप कर चुकी, ये भी पिछले आलमों की तरह से जिस तरह बिल्कुल सेफ एंड साउंड तरीके से आप एक आलम से दूसरे आलम में मुंतकिल होती चली गई और आपने देखा कि कोई आपको नुकसान लाहक नहीं हुआ, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि उसके बाद भी कोई ऐसा मसला नहीं है, सिर्फ ये कि अपने आमाल को कुछ ठीक करने की जरूरत। तो हर जगह जहां पर हमारी अरवाह रही या जिस जगह भी हम रहे वहां जब वहां से जब हम निकले हैं या उन जगहों पर वो तमाम मेहरबान हस्तियां मदद के लिए मौजूद रही, चाहे वो आलम नासूत हो आलम जर हो, वहां जवारे परवरदिगार था, रहमे मादर में खुद मां कितनी मेहरबान थी जो हर लिहाज से ख्याल रख रही थी, फिर दुनिया के अंदर आए तो कितनी मेहरबान हस्तियां माँ बाप की सूरत में और दीगर रिश्तेदारों की सूरत में यहां पर ख्याल रखने वाली मौजूद मिली, तो खुदा ने कितना हमारा ख्याल रखा, कितनी नेमतें हमको दी हैं, फिर हम जब पैदा हुए तो फिर दौलत ईमान भी हमको दी, तो ये कैसे मुमकिन है कि इतनी नेमतें देने के बाद वो आखिरी वक्त में आपका साथ छोड़ दे कि जब आप मंजिल पर पहुंचने वाली हैं। जब भी अमीरुल मोमिनीन ये बात बयान फरमाते थे कि दुनिया में अल्ताफ़ इलाही के नमूने देखकर मुझे यकीन हो चला है कि वो परवरदिगार जिसने अब तक कितना ज्यादा हर मौके पर हमारी मदद की है वो इंशाल्लाह आखिरी मौके पर भी जरूर मदद करेगा, जो अमीरुल मोमिनीन की हदीस का मफहूम है कि इंशाल्लाह ये वाला मौका भी ये गुजर ही जाएगा।